अस्सलामुअलैकुम मिर्ज़ा नईम, एक बार फिर आपकी खेतों में हाजिर। तो यार अभी बेसिकली मैं रियाद में हूँ। रियाद में आपको पता है कि मतलब कि ये ठंड शुरू हो चुकी हुई है। नहीं भी बड़ी ठंड हो गई है क्योंकि मैंने बता दिया। तो यार बेसिकली वीडियो का टॉपिक क्या है? वीडियो का टॉपिक पाकिस्तानी डेवलपर इन सऊदीया अरेबिया, इंडियन डेवलपर। यार इंडियन डेवलपर हमाद भाई की मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए थे। इंडिया की तरफ से इतना प्यार आ रहा है तो पाकिस्तान की तरफ से तो उससे डबल प्यार आना चाहिए। लेकिन मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स इंडिया से ही है। यार क्या करते हो यार, पाकिस्तान से भी थोड़ा प्यार शेयर दे दिया करो। अच्छा तो यार बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो सीन ये है कि यार मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। और सिनेरियो ये है कि अभी मैं करेंटली जो काम कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ Vue.js में, ठीक है, एज अ फ्रंट एंड। और बैक एंड मैं काम कर रहा हूँ लारावेल पे। अब मैं यहाँ पे आया कैसे था वो सारा सिनेरियो बता देता हूँ। बेसिकली एक क्लाइंट था, ठीक है, उस्मान भाई जो मेरे साथ होते हैं, तो बेसिकली वो उनका क्लाइंट था। तो वो बेसिकली एक साल डेढ़ साल से उनके साथ काम कर रहे थे। और एक डेढ़ साल काम करने के बाद उसने थोड़ा सा हिंट दिया, यार उस्मान आप मेरे पास आ जाओ। उस्मान भाई ने सोचा यार चलो ठीक है। लेकिन उस वक्त जब मैं वो काम कर रहे थे ना, तो उस वक्त उन्हें फ्रंट एंड डेवलपर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया था, ठीक है। और फिर मेरी भी जॉब लग गई थी। फिर मैंने 3-4 माह वहाँ पे पाकिस्तान में काम किया ऑनलाइन। देन बेसिकली अब क्या सीन था कि मतलब कि जो प्रोजेक्ट था ना सऊदीया, उस सऊदी बंदे का, तो बेसिकली वो बुलाना इतना खास चाह नहीं रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली जो काम ऑनलाइन हो सकता है वो बुला के उसने क्या करना था। तो बेसिकली उस्मान ने उसको काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया था कि यार आप बुलाओ, ऐसे नहीं, ये वगैरह वगैरह। तो जब उस्मान ने आना था ऑब्वियसली मैंने भी साथ ही आना था। मैं तो बस इस तैयारी में था कि फटाफट निकलो यार पाकिस्तान से। तो फिर यहाँ पर आ गए। और मेरा जो वीज़ा था ना वो बेसिकली एप्लीकेशन डेवलपमेंट का था, ठीक है। तो आप जैसे आज़ाद वीज़ा पे के आते हो ना, आज़ाद वीज़ा पे तो वो या तो ज़्यादातर लेबर का वीज़ा होता है। जब वो आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो मोस्टली कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो मतलब कि लेबर वीज़ा कन्वर्ट ही नहीं करती। अब मिसाल के तौर पे आप अब जो मेरा इकामा है ना वो मेरा फुल स्टैक डेवलपर का है, ठीक है। जिस वीज़े पर आप आते हो ना उसी वीज़े पर आपका इकामा होता है। तो अदर देन डैट यार ये एक डिफरेंट टॉपिक है, आप बात कर लेते हैं पाकिस्तान डेवलपर की। तो पाकिस्तान डेवलपर क्या हुआ, सऊदीया में लैंड हो गया, ठीक है। तो उसके बाद यार सिनेरियो ये था कि पूरा हाइब्रिड मॉडल था, ठीक है। अब मुझे इतना ख़ास आइडिया नहीं है कि वो यार ऑफिस में क्यों नहीं बुलाते थे, ठीक है। जिस कंपनी में मैं काम करता था ना वो हाइब्रिड मॉडल पे था, यानी कि जब कभी कोई मीटिंग हुई महीने में 2-3 दफ़ा कोई अगर मीटिंग हुई या कोई प्रोजेक्ट के बारे में कोई डिस्कशन करनी हो तो फिर हम ऑफिस जाते थे, नहीं तो नहीं जाते थे। यानी कि पूरा साल में हम तकरीबन मुश्किल से 1 महीना ऑफिस गए होंगे, ठीक है। बाकी सारा काम हम अपार्टमेंट में बैठ के करते थे। तो जो अकोमोडेशन है वो बेसिकली ना कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की गई थी। वो बेसिकली आपके कह लें कि प्रोजेक्ट जो हमारा जो जिसने हमें बुलाया था ना वो बेसिकली एक थर्ड पार्टी बंदा था, ठीक है। कंपनी कोई और थी, सेंटर में वो था, बुलाया उसने हमें था, तो उसने हमें फिर अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर दी थी। लेकिन ओबियसली ऐसा होता नहीं है, अगर आप आते हो ना सऊदीया, यानी कि इंडिया से आ रहे हो, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, तो अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करते वो, आपको अलाउंस दे देंगे, वो कहेंगे अकोमोडेशन खुद ही फाइंड करो। ये मुझे उस वक्त फील हुआ है जब मैंने दूसरी इस कंपनी में अभी करंटली जॉब कर रहा हूँ, तो जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अकोमोडेशन प्रोवाइड करें, तो वो कहते हैं अकोमोडेशन हम प्रोवाइड नहीं करते, आप सिर्फ ऑफिस में हमारे साथ हैं, ऑफिस से जैसे गेट से आप बाहर निकलेंगे ना हमारा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा यार ये सही है। अच्छा जी, उसके बाद यार सिनेरियो ये बना जब मैं यहाँ पे आ गया, तो उसके बाद मैं बेसिकली काम कर रहा था फ्रंट एंड जो मैंने बनाया था वो सारा बूस्ट है वगैरह जावास्क्रिप्ट वगैरह में था, और बैक एंड में हम लारावेल पे काम कर रहे थे। तो अभी करेंटली जो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ एज यूजुअल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं Vue.js पे एज अ फ्रंट एंड काम कर रहा हूँ और बैक एंड में लारावेल पे काम कर रहा हूँ। तो उस कंपनी के साथ सिनेरियो ये था कि यार वो प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ तो कंपनी ने कहा अल्लाह हाफिज़, आप पाकिस्तान जा सकते हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, हमने कहा यार हमने पाकिस्तान नहीं जाना, तो आप ऐसे करें हमारा काम ट्रांसफ़र कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, बना के रखनी पड़ती है ना यार। तो एक तो ताल्लुक अच्छा था ना, तो इस वजह से। तो यार सिनेरियो ये बना, फिर
कंपनी चेंज हुई वो आप सारी जाके वीडियोस देख सकते हो, मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं सारे, ठीक है, जो जो इंटरव्यू दिया है वो सारे मैंने अपलोड किए हुए हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, उसके बाद अकामा आज़ाद वीज़ा सारा कुछ मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक हो गया। अब बाकी इंटरव्यूज़ की बात है, इंटरव्यूज़ आप कॉन्फिडेंस के साथ दें, मेरे अंदर तो इतना कॉन्फिडेंस है नहीं कि मतलब कि मैं प्रॉपर भी मैं, बाकी सैलरी पैकेज की वो आप पे डिपेंड करता है यार कि मतलब कि क्या बनता है, आपका कितना एक्सपीरियंस है। हाँ, अब कुछ लोगों के मुझे कमेंट आ रहे हैं जो अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुए, ठीक है, और जिनकी ग्रेजुएशन अभी कम्प्लीट होने वाली है, उन्होंने बैचलर करना अभी कम्प्लीट। अब यार जिन लोगों ने ये सोचा हुआ है ना कि यार मतलब कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ सऊदी आ जाते हैं जॉब मिल जाएगी, कोई सीन नहीं है फ्रेशर्स के लिए, हाँ हो सकता है मिल जाए लेकिन 90% ये है कि नहीं मिलेगी यार। मैं बल्कि ये रिकमेंड करूँगा आप आज़ाद वीज़ा पे आओ ही ना, आप ऐसे करो आप वहीं पे बैठ के जॉब ढूंढो। यार इतने लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया है, ठीक है, इतने लोग हैं जो पाइथन पे काम कर रहे हैं, लारावेल में काम कर रहे हैं, डॉटनेट में काम कर रहे हैं, वो भाई पाकिस्तान में बैठ के काम करें, इवन कि मैं 2-3 वीडियोस अपलोड करूंगा जो मेरी कंपनी में पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे हैं, इंडिया से लोग काम कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो उनके साथ एक इंटरव्यू पूरा वीडियो में बनाऊंगा तो वो मैं अपलोड करूंगा, वो आप देख लीजिएगा उन्होंने कैसे फाइंड की है, ठीक है। अपवर्क से मैंने मोस्टली देखा है, AI का डेवलपर इन्होंने हायर किया मलेशिया से, ठीक है, मेरी कंपनी वालों ने अभी करेंटली, तो यार वो कहाँ से उन्हें मिला, अपवर्क से, ठीक है, वो बंदा सऊदीया में पैदा हुआ है, मलेशिया में स्टडी कर रहा है, रहता है इजिप्ट का, यानी कि सिटीजनशिप उसकी इजिप्ट की है, ठीक है, तो AI डेवलपर है वो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गौर किया है, डॉटनेट में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जावा में है, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो कंपटीशन भी उसी लिहाज से है ज़्यादा। आप ये मत सोचिएगा नहीं भाई ने कह दिया डॉटनेट का डेवलपर की अपॉर्चुनिटी था, अगला बंदा आ गया मुझे मैसेज कर रहा है, नहीं भाई आपने कहा था डॉटनेट में जॉब जल्दी मिल जाएगी जॉब नहीं मिल रही, तो वो एक अलग सिनेरियो है, आपके नसीब नसीब की बात है। तो सऊदी अरेबिया आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर मुस्लिम्स, सबसे पहले तो यार बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ खाना वगैरह लेने, मैं साइकिल अगर बाहर छोड़ के भी चला जाऊँ ना और 2 दिन बाद आके देखूँगा साइकिल खड़ी होगी। यार मेरे साथ तो ये हुआ है, बाकियों का पता नहीं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मतलब कि ना गाड़ी भी उठाई जा सकती है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना ख़ास कि मतलब कि ऐसा कोई सीन होगा, अगर होगा भी तो सऊदीज नहीं करेंगे, सऊदीज चोरी नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर लाइफ में पैसा कमाना है ना तो फिर सऊदीया नहीं आना, अगर आपने अल्लाह के साथ भी जुड़े रहना और आपको आपने पैसे भी थोड़ा सा कमाना है, लेकिन उतना नहीं जितना आप यूरोप और US जाके कमा सकते हो, मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब कि आपने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है और दीन के साथ जुड़े रहना है तो आपके लिए सऊदीया से बेस्ट कोई कंट्री नहीं है, ठीक है, आपने UAE का सोचना भी नहीं है, ठीक है, अरब कंट्रीज़ का यही फ़ायदा है यार, इस्लाम है यहाँ पे ना, ठीक है, और मज़ा है, बंदा उम्रे पे चला जाता है, मदीना हो आता है, मैं कह रहा हूँ जो सुकून यहाँ पे है ना, फिर जो मक्का में सुकून है, जो मदीना में सुकून है ना, वो दुनिया की किसी भी जगह पे सुकून नहीं है। तो बहरहाल ये छोटी सी एक स्टोरी थी, ठीक है, पाकिस्तानी डेवलपर की, ठीक है, और इंशाल्लाह इस तरह की काफ़ी वीडियोस अपलोड होती रहा करेंगी। यार असल में ना ये वीडियो मेरे ऊपर थी, ठीक है, तो इसलिए ना मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कि मैं क्या बोलूँ तो मेरे माइंड में इतने सारे सवालात कोई आ ही नहीं रहे हैं, आई थिंक मैंने सारा कुछ बता दिया। हाँ यह कि अगर कोई और मेरा इंटरव्यू ले रहा होता तो मैं उसका जवाब देता रहता जैसे मैंने हमाद भाई का लिया था। तो उम्मीद है यार ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और कमेंट कीजिएगा तो उस पर मैं रिस्पॉन्स कर दूँगा। हाँ मेरे सोशल मीडिया जितने भी लिंक्स हैं आप उसको फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम लिंक्डइन, अमूमन मैं हर एक सोशल मीडिया अकाउंट पे रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन ये है कि अगर ना भी कर सकूँ यार आप कमेंट कर लिया करें, कमेंट पर ना बेसिकली मैं फ़ौरन रिप्लाई कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, लाइक और सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमी करना है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।